करनाल के नेवल के समीप नहर में दो व्यक्तियों द्वारा डेड बॉडी फेंक कर फरार हो जाने से आसपास के एरिया में सनसनी फैल गई है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले का संज्ञान लिया है। कुंजपुरा थाना के SHO का कहना है कि उन्हें बड़ा गांव के सरपंच ने जानकारी दी थी कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी को कोई दो अज्ञात मोटरसाइकिल वाले नहर में फेंक कर फरार हो गए हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची एवं डेड बॉडी को बाहर निकालकर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम रूप में भिजवा दिया। जांच अधिकारी ने बताया कि फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि मृतक के शरीर पर चोट के निशान है या नहीं, ये जांच का विषय है। उन्होंने बताया कि डेड बॉडी के शरीर पर संभालका के पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर की टी शर्ट थी और हाथ में JJP का बैंड पहन रखा था। फिलहाल मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि नहर में डेड बॉडी को फेंकते हुए जिस व्यक्ति ने देखा था वह काफी दूर था, जिससे अज्ञात मोटरसाइकिल सवार डेड बॉडी को नहर में फेंककर भाग गए। उनकी पहचान नहीं हो पाई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस घटना से आसपास के एरिया में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस विभिन्न पहलुओं पर नजर रखे हुए है और मामले का संज्ञान लेकर मुस्तैदी से कार्रवाई कर रही है। और उसके बाद वो पास पहुंचा तो उसने देखा इट्स अ बॉडी। तो फिर उसने उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया। हम लोगों ने इसको नेवल के आसपास जो है हमने इसको बाहर निकालने के बाद हमने फिलहाल इसकी आइडेंटिफिकेशन के प्रयास जारी है और जो भी जांच से हो सकता कोशिश की जाएगी इसको जल्द से जल्द आइडेंटिफाई किया जाए। सर जो लड़की की एज है वो 40 वर्ष के करीब है और जहाँ तक पहचान का सवाल है उसकी पहनी हुई टी शर्ट पे समाल का लिखा हुआ है और धर्म सिंह चौक नाम का एक प्रिंट है। यूजली लोग वैसे भी डाल लेते हैं, फिर एक प्रिंट है और एक JJP का पैंड है उसके राइट हैंड साइड। तो ये दो फिलहाल हमारे पास क्लू हैं। डेड बॉडी जो मिली इट्स ओपन बॉडी और पानी के अंदर रेस्क्यू करने वाले। अब आगे क्या कुछ किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेट क्या कुछ किस तरीके से किया जा रहा है इसके साथ? फिलहाल बॉडी को मॉर्चरी में रखवा दिया गया है, इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए जो भी फर्स्ट प्रयत्न होगा वो किया जाएगा। जैसी बॉडी आइडेंटिफाई होती है कामी कार्रवाई की। फिलहाल कोई भी आईडी नहीं मिली है? नहीं, फिलहाल आइडेंटिफाई नहीं हुआ। और उन बाइक कौन सी थी या कुछ भी ऐसा? जो जिसने फर्स्टली इसको ऑब्जर्व किया वो काफ़ी दूर था तो पहचान तो वो नहीं कर पाया, उसने केवल दो व्यक्तियों को और बाइक को वहाँ पर आते हुए देखा। बाकी जो है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशंस के बाद ही पता चल पाएंगे। तो ये क्या सूचना मिली थी हमारे को? कोई लगभग 7:45 बजे के आसपास सूचना मिली थी थाने में। अच्छा, कि भाई नहर में डेड बॉडी है। तो हम वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पहुँचने बाद वहाँ नहर में से जहाँ पर डेड बॉडी फेंकी थी कोई अननोन व्यक्ति था वहाँ, उसने वो दो व्यक्तियों को उस डेड बॉडी के बीच में बैठा रखा था, उसको फिर वहाँ से नहर में फेंकते देखा था। हलवाना वाला जो, हाँ उसी ने सरपंच को सूचना दी थी, बड़े गांव के सरपंच को। उसने फिर थाने में तलाश ली, थाने की तलाश से फिर हमारे को फोन, हम वहाँ पहुँचे तो उस टाइम वहाँ से जो किनारे पर डेड बॉडी पड़ी थी वहाँ से पानी की लहर से तेज बहाव से वहाँ से निकल गई थी। तो वो कौन है जो फेंकने वाले थे उनका पता लगा? वो अननोन आदमी है जिसने देखी है, वो बड़े गांव से ही है और उसने भी करीब 2-3 किले दूर से देखा था उनको फेंकते हुए। तो क्या कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ? हत्या केस दर्ज किया जाएगा? अभी तुम देखो मुकदमा दर्ज होगा, 302 का जैसा भी होगा जी, वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डेड बॉडी पे क्या निशान मिले हैं, क्या कुछ पहन रखा था? निशान है चोट के, जैसे खनौच वगैरह से कुछ पहन रखा था? हाँ, कपड़े डाले हुए कई सौ ने, जो एक टी शर्ट डाल रखी उस पर संभालखा से हैं अपना XML धर्म सिंह छोकर, उस पर लिखा हुआ है धर्म सिंह छोकर हल्का संभालखा। तो क्या नाम है उसका, कोई पता लगा क्या? नहीं, अभी कोई आइडेंटिफाई नहीं हो पाई, कुछ नहीं पता लगा। कोई किस जगह से मिली जगह प्रॉपर? ये अभी निकाली है डेड बॉडी हमने 3-4 किलोमीटर दूर इधर दड़ गाँव का जो पुल है इधर अभी नेवल से निकाली। कौन सी नहर से? आवर्धन नहर से। अपना नाम सर? मेरा ये सेवरिंदर सिंह है। थैंक यू। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.